नम्रता हमारे साथ कॉरिडोर से बहुत टाइम से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन जब नम्रता का ये मेंस हो रहा था तो एक हमारा टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम था, जो लोग क्वालिफाइड हैं मतलब जो लोग मेंस लिख रहे थे उनके लिए, तो उस टाइम पर नम्रता ने ज्वाइन किया था। सच्चाई से बता रहा हूँ, एक भी टेस्ट नम्रता ने वहां पर नहीं लिखा, ठीक है, ग्रुप में रही है ना, थोड़ी बहुत वहां पे मे भी उनको गाइडेंस वगैरह मिली होगी, फिर इंटरव्यू गाइडेंस का सेशन था तो वो फिर नम्रता ने अटेंड किया था, तो वो सारी चीजें आपको तो बताएंगे ही नम्रता। बाय द वे, नम्रता गढ़वा से है जो कि एक बहुत ही साधारण सी जगह झारखंड में, मैं खुद भी वहां से तो जानता हूँ, और 10th तक की स्कूलिंग जो उनकी हिंदी मीडियम में ही हुई, उसके बाद उनकी पढ़ाई आगे हुई है टेक्निकल फील्ड में, IIT कानपुर से किया हुआ उन्होंने ग्रेजुएशन, और फिर सोशियोलॉजी से UPSC की तैयारी की है। यह आपका थर्ड अटेम्प्ट था, नम्रता जी ने फर्स्ट में भी इंटरव्यू दिया था और थर्ड वाले में तो सिलेक्शन। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आप सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे जो आपको नम्रता से पूछने थे, तो सारे क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया, उसको डिस्कस करेंगे। अब आप नम्रता, आपको हैंड ओवर है ना, और वो क्वेश्चन मैं मेंशन करता जाऊंगा, आप हमें वहां पे गाइड करिएगा सोशियोलॉजी वो आप क्वेश्चन काम भी कर। बोलेंगे ऐसा है। हाँ, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं क्वेश्चन बोलूंगा आपको, आपको कंफर्ट रहेगा। अच्छा, बाय द वे, नम्रता का जो एक मेंस का प्रीलिम्स का ओवरऑल जो प्रिपरेशन है उसके लिए एक अलग से सेशन ले लें, ये वाला हमने फोकस किया हुआ सोशियोलॉजी पे, क्योंकि बहुत लोग अभी सोशियोलॉजी तैयार कर रहे हैं अपना मेंस उनका, तो एक अर्जेंट सिचुएशन, तो अलग से सेशन कर लेंगे, इसमें हम लोग सोशियोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने 59 क्वेश्चन भेजे थे, उसके हमने समराइज करके 10 से 15 क्वेश्चन बनाए हैं, और आपको नम्रता सारी चीजें वो समझाएंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। सोशियोलॉजी में एक फेवरेट क्वेश्चन है लोगों का कि नोट मेकिंग कैसे करनी है और उसमें कुछ करंट अफेयर का एस्पेक्ट कैसे डालना है, तो ये समझाइए। मैं शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर दे देती हूँ। बीच में अगर नेटवर्क जाता है तो थोड़ा पेशेंट रहिएगा, यहाँ गांव में थोड़ा इश्यू है नेटवर्क का। और दूसरा ये है कि जो भी मैं अभी बोलूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि आप अग्री ना भी करें या फिर आपको कोई बेटर स्ट्रेटजी पता हो तो यू आर फ्री टू फॉलो दैट। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। तो लेट्स लेट्स स्टार्ट। तो नोट मेकिंग जो सोशियोलॉजी का है, बहुत ज्यादा नोट मेकिंग करने का जरूरत अब सोशियोलॉजी में रहा नहीं है बिकॉज ऑफ नितिन सांगवान का जो बुक है वो बहुत ही क्रिस्प है और कॉन्साइज है। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके लिए बहुत ज्यादा नोट मेकिंग मत करिए। करेंट अफेयर का आपको करना चाहिए, लेकिन करेंट अफेयर के लिए भी मैंने कोई स्पेसिफिक मैगजीन, जैसे कि EPW बहुत फेमस मैगजीन है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं है क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। लेकिन करेंट अफेयर के लिए जो जैसे जेंडर इश्यूज हो गया, कास्ट हो गया, फिर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड या और वल्नरेबल सेक्शंस है, ट्राइबल्स है, फैमिली से रिलेटेड कुछ आ रहा है, ये सारा जो हमारे सिलेबस में है उसमें आप द हिंदू में जो भी पढ़ते हैं ना उसको थोड़ा नोट डाउन करके रखिए, मार्क करके रखिए कि दिस आई कैन यूज इन सोशियोलॉजी स्पेशली इन पेपर 2। इतना करने से भी और उसको यूज कर लेने से भी काफी वैल्यू एडिशन हो जाता है रादर देन कि EPW और ये सब चीज पढ़े। मतलब अगर किसी को इंटरेस्ट है, टाइम है, देन ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी मेंस बहुत पास में है तो मैंने पर्सनली पढ़ा नहीं है और उसका कितना यूजफुलनेस है मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन न्यूज़पेपर के करंट अफेयर को मैं काफी यूज करती थी। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं उनको देख के लग जाता है कि इसका सोशियोलॉजी में यूज हो सकता है। जैसे अभी तमिलनाडु के इलेक्शन से पहले ये कॉन्सेप्ट आया था कि विमेन को पेमेंट करना है या नहीं करना है फॉर देयर हाउस होल्ड वर्क, तो उस चीज को देख के ऐसा लग रहा था कि ये शायद पेपर 2 का क्वेश्चन हो सकता है। तो हिंदू में जब वो आर्टिकल में पढ़ रही थी तो उसमें बहुत सारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के भी व्यू पॉइंट्स दिए हुए थे उसमें। तो इस तरह का आपको कुछ भी मिलता है तो उसको नोट डाउन करके रखिए और उसको कहीं भी यूज कीजिए। तो और बाकी जो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है रिविजन के लिए, तो नितिन सांगवान में हर एक टॉपिक जो है वो अपने अपने सिलेबस ही है। जो टॉपिक उन्होंने लिखा है वो डायरेक्टली सिलेबस से ही उठा के रखा है, तो उसको ऊपर में हेडिंग देके और जितने भी उसमें थिंकर्स है सबके नाम लिखिए, एक एक लाइन उनके आगे थ्योरी लिखिए क्या है उनका। जनरली जो थिंकर्स वाले चैप्टर के अलावा मैं बोल रही हूँ, जैसे फैमिली पढ़ रहे हैं, अब फैमिली में क्या है, नितिन सांगवान ने बहुत सारे थिंकर्स दे रखे हैं, किसी ने फंक्शनल अप्रोच दे रखा है, किसी ने कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच दे रखा है, इस तरह की चीजें हैं। तो आप एक एक लाइन में थ्योरी को समराइज करके शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि सारे थिंकर्स और सारी थ्योरीज आपको एग्जाम के पहले रिविजन करने में आसानी हो। ये तो सब लोग जानते ही हैं कि जितने अच्छे से थिंकर्स को यूटिलाइज करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो रिवीजन के लिए जरूरी है कि शॉर्ट नोट बनाए। अब थिंकर वाला जो चैप्टर है वो तो थिंकर्स ही है, अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, उसमें भी टॉपिक वाइज यू कैन मेक नोट क्या क्रिटिसिज्म है उस थ्योरी का, क्या बेटर ऑल्टरनेटिव है, तो थोड़ा शॉर्ट नोट्स उधर बना सकते हैं। बाकी न्यूज़पेपर से यू कैन मेक नोट्स।
और एनसीईआरटी में मुझे लगता है काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हर जगह, मतलब जो रियल लाइफ के हैं, जो पेपर में डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं, तो एनसीईआरटी से आप एग्जाम्पल्स का नोट बना सकते हो। और इसके अलावा किसी को हेरेलॉम्बस और रेटजर पढ़नी है, बहुत अच्छी बुक है हेरेलॉम्बस, मैंने भी पढ़ी है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाई क्योंकि बहुत मोटी बुक है, लेकिन अगर उसको पढ़ते हैं तो उसका शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। और पढ़ना क्या है वो अनु मैम जो थी सोशियोलॉजी वाली, उन्होंने बताया अपने ब्लॉग में एग्जैक्टली कि कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है हेरेलॉम्बस के अंदर और रेटजर के अंदर, तो दैट यू कैन रेफर। कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आता, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जैसे कि पार्सन्स का थ्योरी सबको कॉम्प्लेक्स लगता है, अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो उन सब चीजों के लिए सिलेक्टिवली यू कैन यूज इग्नू का बुक, उसमें थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में होता है तो समझने में आसानी होता है। तो इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। पेपर टू में भी मैंने, पेपर टू का कोई एग्जैक्ट सोर्स है नहीं, मतलब बहुत ही स्कैटर्ड है, तो मोस्टली मैंने नितिन सांगवान पे रिलाई किया था, जितने भी इंडियन थिंकर्स हैं उनका थ्योरी वगैरह अच्छे से समझने का कोशिश किया था, जो नहीं समझ में आ रहा था उसको इग्नू या किसी भी रैंडम सोर्स से, मतलब गूगल से या फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स से समझ लिया, जो भी आपको बेस्ट लगे, जिसमें समझ में आया और अपना थोड़ा नोट्स बना लिया। बहुत ज्यादा घबराना नहीं है पेपर टू के लिए, वो थोड़ा जनरल सा ही है। और एक स्लीपी क्लासेस का वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने डाउट में भी पूछा था कि उनका कैसा है, उनका नोट्स अच्छा है, तो कोई भी टॉपिक जिसमें आपको अच्छे से नोट्स नहीं मिल रहा, उनके नोट्स यू कैन मेक एंड यू कैन रिवाइज ऑल्सो, उन्होंने अच्छे से कोलेट कर दिया सब थिंकर्स का एक जगह पे, तो आई थिंक वो यूजफुल है, तो ये भी कर सकते हैं। आई थिंक यही है नोट्स मेकिंग में, कुछ डाउट है तो कर सकते हैं डिस्कस। हाँ, आपको डाउट हो तो बीच में आप लोग क्वेश्चंस को चैट में डाल दीजिए, उसको भी ले लेंगे। नम्रता, आपने ये तो सेल्फ स्टडी किया सोशियोलॉजी की कम्प्लीटली, तो आपको किसी मतलब मौके पे ये नहीं लगा कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है, मतलब खास करके नोट मेकिंग भी आप कह रहे हैं कि बहुत जगह से आपने पढ़ा, रेफर किया स्किपिंग क्लासेस और भी कई सारे रेफरेंसेस कई किताबों से, कभी ये नहीं लगा कि अब ये चीज जो डाल रही हूँ इसका रिलेवेंस होगा कि नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन नहीं है कभी? शुरू शुरू में फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम में लगता था कि सोर्स कुछ मिल नहीं रहा है, पर मुझे मतलब जो बेस्ट बुक लगता है सोशियोलॉजी में वो नितिन सांगवानी है, उसको देख के आपको आइडिया लग जाता है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, तो वो बहुत ही अच्छी बुक है, उसको जितनी बार हो सकता है पढ़ना, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने और कुछ रेफर भी नहीं किया था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा मेरा सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस के गैप में ही हुआ था, और उस अटेम्प्ट में मुझे इस अटेम्प्ट से ज्यादा मार्क्स आए थे, तो मुझे लगता है कि शायद कभी कभी कम पढ़ना भी अच्छा होता है, लेकिन अच्छा बहुत मोटिवेशन है ये। हाँ, मतलब नहीं कम पढ़ने के लिए नहीं, कि बीच वाले गैप में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक ठाक, तो वैल्यू एडिशन के लिए बाकी सब कुछ बेस उसी को रखना चाहिए, क्योंकि वो इतनी अच्छी बुक सर ने लिख दी है, नितिन सर ने, वो बहुत ही अच्छी है सोशियोलॉजी के लिए, उसके पहले काफी स्कैटर था सब कुछ, तो उसको बेस रखिए और बाकी वैल्यू एडिशन और सोर्सेस से कर सकते हैं। और तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि सोशियोलॉजी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, मतलब मैं थोड़ा ज्यादा बायस्ड हूँ इस सब्जेक्ट के प्रति, क्योंकि मुझे सच में बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छी है तो फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, उसके बाद जो भी पढ़ेंगे आपका एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन होगा, लेकिन अगर आप उसको छोड़ के कि नहीं सारी चीजें मैं अलग अलग जगह से रेफर करूंगा, ये किताब तो पढ़ूंगा ही नहीं, सारे पढ़ते हैं, आई डोंट थिंक दैट विल बी वर्किंग वेरी वेल, तो आप भी एक कोर बेस बना सकते हैं और सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना ऑप्शन बहुत बड़ी बात है, आपके सामने नम्रता एग्जांपल है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके इसे में भी काफी अच्छे मार्क्स हैं, 140 हैं इस बार के हिसाब से, वेरी गुड मार्क्स, फिर सोशियोलॉजी भी आपका सब्जेक्ट है, तो लोग कहते हैं कभी कभी सोशियोलॉजी में थोड़ा राइटिंग क्लियर का इम्पॉर्टेंस है, राइटिंग स्किल्स, तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तो ये बताइए कि क्या एक्चुअली में राइटिंग स्किल्स थोड़ी अलग से यहाँ पे मैटर करती हैं, और दूसरा क्या आपको लगता है कि आपको बेनिफिट मिला? सोशियोलॉजी ऑप्शनल होने का बेनिफिट ऐसे में 100% मिलता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बहुत सारी चीजें जो सोसाइटी से रिलेटेड या थ्योरीज जो होती हैं मार्क्स वगैरह की, बहुत कॉमनली यूज की जा सकती हैं किसी भी ऐसे में, और राइटिंग स्किल्स का तो मैटर करता ही है, राइटिंग स्किल्स तो होना ही चाहिए, बट वो कोई ऐसा स्किल नहीं है जो किसी में इनहेरेंटली है, इट कैन बी डेवलप्ड विद प्रैक्टिस, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखने से 100% बहुत सारे ऐसेज में फायदा होता है। इस बार क्योंकि ज्यादा फिलोसॉफिकल ऐसे था, हालांकि एक ऑप्शन में डायरेक्टली एक मार्क्स का स्टेटमेंट भी दिया हुआ था, तो सोशियोलॉजी में ही मार्क्स का डायरेक्ट स्टेटमेंट टॉपिक था, तो इस तरह से बेनिफिट तो होता ही है। और उसके अलावा मुझे लगता है बहुत ज्यादा कोर थ्योरीज यूज नहीं करनी चाहिए, जैसे जो नाम किसी ने सुनी नहीं है पार्सन्स वगैरह, बहुत ज्यादा सोशियोलॉजिकल हो जाएगा,
तो वो ऐसे में अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स हैं या फिर इंडियन थिंकर्स में आ जाएंगे तो जो नाम याद नहीं आ रहा है, भूरे या ये लोग हैं, इन लोगों का नाम लिख सकते हैं हम लोग आई थिंक। तो ज्यादा कोर में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज तो फायदा होता है क्योंकि हम लोग को डायमेंशन बहुत सारे पता होते हैं, ट्राइबल्स के बारे में जानकारी है, वुमेन के बारे में जानकारी है, कास्ट है, पीवीटीजी है, सब कुछ है, तो वो सब डाल सकते हैं ऐसे इसके अंदर। ओके नम्रता, एक क्वेश्चन है, मुझे सारे ऑप्शन में ये पूछा जाता है और ऑलमोस्ट आपने तो इसको एड्रेस कर ही दिया, लेकिन फिर भी आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे कि ये लोग पेपर वन और पेपर टू का इंटरलिंकिंग वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये क्या है? और मतलब उसके आगे वाला पार्ट तो थोड़ा सा अलग है, द नेक्स्ट पार्ट इज क्या ये विदाउट कोचिंग हो सकता है? वो तो आपके सामने एग्जाम्पल है। तो सोशियोलॉजी में तो मुझे जहां तक लगता है कोचिंग की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि समझने में कॉन्सेप्ट आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप YouTube से देख सकते हैं। हमारे IIT में एक प्रोफेसर थे, AK शर्मा सर, उनके कुछ वीडियोस आप इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी के देखना तो बहुत अच्छा लगेगा। उनके YouTube में भी अवेलेबल है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है शायद उसको भी इंटरेस्ट आ जाएगा। तो है ऐसा सब्जेक्ट कि समझ में आ जाता है, अदरवाइज स्लीपी क्लासेस की वीडियोज अच्छे हैं विच आई हैव ऑलरेडी मेंशनड, तो समझने में उतना दिक्कत नहीं है। और पेपर वन और पेपर टू बहुत जेनरिक होता है, जैसे कुछ भी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा आपको लगेगा कि ज्योग्राफी का है या पता नहीं किसका है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा रिलेट करना मुश्किल होता है। पर कुछ फैमिली के ऊपर क्वेश्चन है, कास्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप कुछ भी थ्योरी लिखो जो आपने पढ़ी है। फैमिली में हम पेपर वन में बहुत सारे फिलोसफीज पढ़ते हैं, पेपर टू में ओनली इंडियन फैमिलीज के बारे में है, तो इट्स ईजी टू रिलेट। आप फैमिली का थ्योरी वहां से भी उठा के यहाँ पे लिख सकते हो, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है रिलेट करना। पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर एक क्वेश्चन आता है इसी साथ कि सोशल मीडिया की वजह से कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ रहा है, तो हाउ विल यू एड्रेस दिस। अब इसमें कोई भी थ्योरी लिखना हो सकता है कि पॉसिबल है, सोचने बैठेंगे तो लिख भी लेंगे, बट एग्जाम के टाइम फ्रेम के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर वहां पे फिर मुझे लगता है ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। जीएस की तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल्स वगैरह से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन कम होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ आप थ्योरीज यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से ही है। और पेपर वन की थ्योरीज को ही हमें लेके आना है इधर, और तो कुछ है नहीं पेपर वन में, मोस्टली थिंकर्स और अलग अलग टॉपिक्स पे थ्योरीज दी, स्ट्रेटिफिकेशन, फैमिली, रिलीजन, ये सब चीजें पे, तो इन सारी चीजों को हम लोग कोट कर सकते हैं कि इस थिंकर ने बोला था कि कम्युनल पोलराइजेशन इसकी वजह से होता है, ये लिख दो, फिर आगे जो लिखना लिख दो, तो इस तरह से लिंक कर सकते हैं। मतलब मैं तो यही करती थी, ट्राई करेंगे लिखेंगे तो होगा, ऐसे तो बोलने में तो डिफिकल्ट है। अच्छा नम्रता, अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए किसी का पिछले अटेम्प्ट में 200 के आसपास था या 210 था, अब हर इंसान का ऑब्वियसली स्पेसिफिक हो सकता है रीजन उसका, लेकिन इन जनरल आपको क्या लगता है कि अगर कोई 200 में और उसको इम्प्रूवमेंट करनी हो, 250, 260, 270 जाना हो, तो कुछ आप ऐसा सजेस्ट करेंगे कुछ एरियाज में इम्प्रूवमेंट या कोई सोर्सेज ऐसे? एक तो मुझे इसमें लगता है कि शायद पेपर वन में अगर कम मार्क्स आ रहे किसी के, तो उनको शायद जो भी थ्योरीज है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उनका क्लैरिटी थोड़ा कम है क्योंकि डायरेक्टली नहीं आता, थोड़ा कंपैरिजन बेस्ड आता है कि मार्क्स और वेबर का कंपेयर कर दो। अगर आपको दोनों का क्लैरिटी अच्छे से नहीं है तो आप अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो एक तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट पे थोड़ा काम करने का जरूरत है, और पेपर टू में थोड़ा सा रिलेशन का ज्यादा जरूरत है कि हमने जो भी थ्योरीज पढ़ी है उनको क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे विमेन इश्यूज है, तो विमेन में हमने पेपर वन में भी पैट्रियार्की में बहुत सारे थिंकर्स के व्यू पॉइंट पढ़ रखे होते हैं, पर उनको हम यूज नहीं करते पेपर टू में, जो करना चाहिए। और दूसरा एक है एग्जांपल्स फ्रॉम करेंट अफेयर्स, उनको हम ला सकते हैं। जैसे कम्युनल पोलराइजेशन है, तो उसमें आसानी से लिखा जा सकता है कि COVID-19 के टाइम में इस्लामोफोबिया किस तरह से बढ़ा था सोशल मीडिया की वजह से। इस तरह की एग्जाम्पल्स अगर ऐड करेंगे तो मार्क्स बढ़ जाएगा। और मुझे ये लगता है कि थ्योरी ही समझना थोड़ा अगर डिफिकल्ट हो रहा है तभी पेपर वन में कम मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सपीरियंस था कि मेरे पेपर वन में कम मार्क्स था और पेपर टू में ज्यादा था, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट में उतना क्लैरिटी नहीं था, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो मुझे तो यही लगता है, बाकी प्रैक्टिस की भी कमी हो सकती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ से तो एक चीज और एड्रेस हो गई कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पेपर वन आपका बहुत स्ट्रांग नहीं तो पेपर टू में मार्क्स आएंगे ही नहीं। जो लोग आप लोग एकदम मान लेते हो कि पेपर टू इज काइंड ऑफ मतलब पेपर वन का ओरिजिन है, कई लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए नम्रता ने बताया कि मतलब पेपर वन से ज्यादा उनके पेपर टू में ही मार्क्स, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वो डिफर करता है, मतलब दोनों पेपर थोड़े थोड़े अलग चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ये मेरी तरफ से है, ये सारे ऑप्शनल के लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, कि जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि सोशियोलॉजी की तैयारी आपने की, आपका इंटरेस्ट भी था,
कॉलेज के टाइम से ही एक प्रोफेसर ने बताया कि आपको उनकी कुछ क्लासेस पसंद आएगी। अगर एकदम शुरुआत से कोई कहे कि जैसे सोशियोलॉजी आपने फर्स्ट दिन पढ़ना शुरू किया होगा कि अब ये बुक उठानी है या ये सिलेबस शुरू करना है, आप एक बार शॉर्ट में टाइमलाइन बताइएगा, मतलब टाइमलाइन नहीं है, स्टेप्स बताइएगा जो आपने फॉलो किए प्रिपरेशन के लिए सोशियोलॉजी के। सबसे पहले तो एनसीईआरटी से ही शुरू करना चाहिए, 11th और 12th की 4 बुक्स है टोटल मिला के, तो उसको पढ़ के देखिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो एनसीईआरटी एक या दो बार पढ़िए आप, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि सब कुछ कवर्ड है उसमें, शॉर्ट में है लेकिन सब कुछ कवर्ड है। उसके बाद हम लोग को स्टैंडर्ड बुक्स पे जंप करना चाहिए या वीडियो देखना चालू करना चाहिए, जो भी स्लीपी क्लासेस या जो भी वीडियोस है, और एके शर्मा सर का जो मैंने बोला उनके कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं जो देख सकते हैं इंटरेस्ट जनरेशन के लिए भी, यूट्यूब में भी वो वीडियो है। तो उतना करने के बाद फिर नितिन सांगवान पे आइए। नितिन सांगवान इतनी आसान बुक नहीं है, जिसने पहले से कुछ भी पढ़ नहीं रखा है उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, जिसको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि क्या होता है इसमें, मतलब उसमें हर कुछ बहुत एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो एक बार दो बार एनसीईआरटी पढ़ के थोड़ा नितिन सांगवान पे आइए, फिर वहां से अगर वो समझ में आ जा रहा है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको पढ़ने के बाद फिर हेरल ओम्बर्स और इन सब बुक्स पे, हेरल ओम्बर्स वगैरह बुक्स है तो बेसिक बट बहुत वास्ट है, एक एक चीज को बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, तो बोरिंग हो जाता है थोड़ा। उसको बाद में पढ़िए, आफ्टर दैट वैल्यू एडिशन के लिए पढ़िए, और करंट अफेयर वगैरह तो साथ में चलते रहना चाहिए, कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो करंट अफेयर देख के थोड़ा क्लिक करना चाहिए कि क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ, मतलब जब भी न्यूज पढ़ो तो सोचो कि मैं इसको कहाँ यूज कर सकता हूँ, अपने ऑप्शनल में कहीं या अपने जीएस में कहीं, उस समय सोच के रखोगे तो फिर मेंस में फिर क्लिक करेगा, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो इस तरह से ही टाइमलाइन है, आई थिंक एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए, फिर धीरे धीरे नितिन सांगवान और बाकी सोर्सेस पे जाना चाहिए। हाँ, और यहाँ पे एक स्टेप है लास्ट में, आपने इसके लिए आपने तो सेल्फ प्रिपेयर किया, लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह आप कोई सजेस्ट करेंगी आपको यूजफुल लगा? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रवीण किशोर सर के यहाँ पे किया था, पर मुझे क्लियर नहीं था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं, तो मैंने काफी लेट से ज्वाइन किया था, तो कुछ टेस्ट दिए थे वहाँ पे तो अच्छा था उनका रिव्यू वगैरह। फिर बाद में विजन का भी मैंने ज्वाइन किया था, और इस अटेम्प्ट में मैंने विकास रंजन सर का ज्वाइन किया था, तो यू हैव टू सी कि विच वन यू वांट टू चूज, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है किसको क्या सूट करता है, पर ये सारे हैं। तो मेनली तो आपको नम्रता ने बता दी, आपको ये भी बता दिया कि भाई हर जगह से हाई मार्क्स लोगों के निकले हैं, तो आप एक बार देखिए खुद के हिसाब से, मेंटर से टीचर से बात करिए। एक चीज और बोलूंगी, टेस्ट सीरीज जंप करने से पहले मुझे लगता है खुद से आंसर पहले लिखना चाहिए, ग्रुप में लिखिए, मतलब जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है ना, मैंने इस मेंस के पहले ज्यादा टेस्ट दिए नहीं, सर ने भी बोला कि मैं ग्रुप में नहीं लिखती थी क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ लिखती थी और मैं डेली लिखती, उससे जितना इंप्रूवमेंट मुझे हुआ ना किसी टेस्ट सीरीज से नहीं होता है। टेस्ट सीरीज से ये फायदा होता है कि आपको टाइम के अंदर लिखना आता है, वो एक बेनिफिट होता है, अदरवाइज जब आप डेली आंसर राइटिंग करते हो ना उससे ज्यादा इम्प्रूव होता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप बन जाता है, जैसे अभी कितने सारे लोग हैं इधर, साथ में मिलके अगर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखना चालू करें तो उससे ज्यादा गेन कर सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी सबका अपना चॉइस है। नहीं, ट्रू ट्रू, अगर स्मॉल पीयर ग्रुप है क्वालिटी का है तो उससे ज्यादा बेनिफिट तो कहीं नहीं होता। अब बड़े ग्रुप में भी है ना, मेंस गिविंग कैंडिडेट भी है, तो उसमें अपना जो है ऑप्शनल का छोटा सा ग्रुप बना लीजिए 4-5 लोगों का, अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। इज इट कंपलसरी टू ऐड अबाउट एटलीस्ट वन थिंकर इन एवरी टॉपिक और आंसर? इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज डिजायरेबल, जहां जहां पे आप डाल सकते हो डालो, अगर नहीं डाल पा रहे तो फिर बहुत प्रेशर भी नहीं लेना कि आंसर ही नहीं लिख रहे, थिंकर नहीं आ रहा, तो ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन जहां पे भी आपको लगे कि कुछ मैं डाल सकता हूँ एटलीस्ट नाम और एक दो शब्द भी लिख दो, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। पेपर वन में तो आप कर लोगे इजीली क्योंकि वो क्वेश्चन ही थ्योरी के ऊपर होता है, पर पेपर टू में बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया, कुछ क्वेश्चन आया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे हेल्प करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में डिफिकल्ट होता है करना, कुछ कहीं पढ़ रखा है तो डाल दो, नहीं पढ़ रखा है तो करेंट अफेयर से रिलेटेड या गवर्नमेंट स्कीम्स डाल दो या कुछ भी एक्स्ट्रा डाल दो जो जनरल से अलग है, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह तो एग्जाम के टाइम फ्रेम में मुश्किल हो जाता है, ऐसे हो सकता है सोचने बैठेंगे तो लिख भी लेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी इफ यू नो देन इट इज द बेस्ट। ओके, रिवीजन के लिए क्या टेक्निक आपने अपनाई, क्या आपने जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे ऑप्शनल का, जो खास करके ये भी बताइएगा कि जीएस के बाद जो ऑप्शनल के लिए गैप मिलता है उस बीच में आपने क्या किया था? जो ये शॉर्ट नोट्स का मैंने पहले ही बता दिया है कि टॉपिक वाइज ही मैंने नितिन सांगवान से ही शॉर्ट नोट्स बना रखे थे,
जो भी उसमें थोड़ा भी बड़ा बड़ा लाइन्स दिया हो उसको छोटा छोटा करके शॉर्ट में आधा आधा लाइन का लिख रखा था, और उस गैप में भी मैंने वही ही रिवाइज किया था जो मैंने नोट पहले से ही बना रखे थे, तो बहुत आसानी से हो भी गया था 5 दिन में। पूरी नितिन सांगवान की बुक 5 दिन में रिवाइज नहीं हो पाती है, तो अगर आपने थोड़े शॉर्ट नोट, स्पेशली अगर आप सारे चैप्टर्स का नहीं बना पा रहे हो तो थिंकर्स वाले चैप्टर का बना लो, स्ट्रेटिफिकेशन, फैमिली, सब पेपर वन में इंपॉर्टेंट है, पेपर टू में इंडियन थिंकर्स हो गया अपना, या फिर फैमिली वगैरह जो चैप्टर्स हैं, इन सब कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही हैं उनके एटलीस्ट बना के रखिए, या अगर 5 दिन में पूरी बुक पढ़ सकते हो तो बेस्ट है। तो नम्रता, जितने क्वेश्चन थे समराइज तो हमने कर ही लिया है। अच्छा, एक लास्ट में ये बताइए कि आप कोई एडिशनली कोई चीज बताना चाहेंगी या मल्टीपल चीज बताना चाहेंगी, कुछ जो हमने मिस किया हो। किसी ने क्वेश्चन उसको पूछा था कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं पेपर टू में थ्योरीज वगैरह को, तो उसके लिए मैं एग्जांपल एक देना चाहूंगी। इसी बार क्वेश्चन में आया था कि व्हाट आर द इश्यूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, ये क्वेश्चन GS1 में भी आ सकता है, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो GS1 में हम लोग थ्योरीज वगैरह कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ बता देंगे कि कुछ इश्यूज है जैसे कि पैट्रियार्कल सोच हो गया या फिर डबल बर्डन, ये सब इस तरह की चीजें हो गई। अब सेम चीज को सोशियोलॉजी में कैसे लिखना है, जब भी आप पैट्रियार्कल लिख रहे हो तो किसी थिंकर का नाम बताओ, जैसे एक हम पेपर वन में सिल्विया वाल्बी के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने पैट्रियार्की के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, उसके डिफरेंट फेसेट्स बताए हैं, कैसे सेक्सुअल वायलेंस की वजह से वुमेन सप्रेस होती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से सप्रेस होती हैं, तो वो लिखो। फिर अभी दूसरा पॉइंट अगर लिखना है तो एक डबल बर्डन ऑफ वर्क जो मैंने बताया, जो हम ऐसे लिखेंगे GS1 में, उसके आगे आप एक थिंकर है होस्टचाइल्ड, ये भी पेपर वन में पढ़ते, उनका नाम लिख दो, तो इस तरह से वो सोशियोलॉजिकल आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो मैं बोलना चाहूंगी, एक क्वेश्चन था कि हाउ कास्ट एंड किनशिप रिलेशंस इन अर्बन इंडिया रेप्लिकेटेड, रूरल से अर्बन में कैसे रेप्लिकेट होता है, तो इसमें आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज यूज कर सकते हो। जैसे योगेंद्र सिंह ने एक थ्योरी दिया हुआ है सिलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन का थ्योरी, तो अगर अर्बन से रूरल में रेप्लिकेट हो रहा है, इसका मतलब इवन दो हमारा अर्बन लाइफस्टाइल मॉडर्नाइज हो रहा है लेकिन कुछ फेसेट्स ऑफ लाइफ है जो अर्बनाइज नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे यू कैन यूज योगेंद्र सिंह का थ्योरी। यहाँ पे आप एम साह का फैमिली वाला थ्योरी भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे वो बोलते हैं कि इंडिया में फैमिलीज एक्चुअल में न्यूक्लियर नहीं हो रही है, खाली हाउस होल्ड चेंज हो रहे हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो भी किनशिप और कास्ट रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेंगे। तो ये सब कहीं पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन जितना आप पढ़ोगे उतना आप रिलेट कर पाओगे। मैंने इसी तरह से आंसर्स अपने लिखे थे, जहां भी मैं ये फैमिली वाला थ्योरी कहीं से रिलेट नहीं हो रहा है यहाँ से, लेकिन फिर भी यू कैन राइट, जहां भी आपको लॉजिकल लग रहा है ना कि हाँ हो सकता है वो आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो यही दो एग्जांपल मैंने, आई होप कि यूजफुल है और समझ में आया। अरे अभी जो जिन लोगों ने भी मेंस का क्वेश्चन किया होगा उनको समझ में आया होगा, आपने बोला कि यूजफुल है, समझ में आया। मैंने एक वो फ्रेज सुना सिलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन, अब मुझे जो है इंटरेस्ट जग गया पूरा, क्योंकि ये सारी चीजें कितनी रिलेटेबल है ना, ये सारी अनटचेबिलिटी वगैरह से भी सारी रिलेटेबल है, कि मतलब शहर में है फिर भी किसी न किसी फॉर्म में सारी चीजें हैं, तो पॉलिटी से कनेक्ट हो गया। अब तो मैं भी सोशियोलॉजी पढ़ूंगा। अब आप लोग ये कह रहे हो ना टेक्निकल लाइन से, कई लोगों का ये क्वेश्चन है जो मैंने नहीं लिया है, कि अब वो बोल रहे हैं जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे कि ये बताइए कि इंटरेस्ट कैसे जगा। देखिए, इंटरेस्ट तो नेचुरल होता है, अब टेक्निकल लाइन में हो नहीं हो से कोई मतलब नहीं है, ह्यूमैनिटीज के ऐसे सब्जेक्ट है जो किसी भी लाइन में आपको इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं तो सीधा कहूँ कि देखिए, मान लो आप टेक्निकल लाइन से, आपका मैकेनिकल है तो आप मैकेनिकल ले लो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और पहले ही तो आपको बताया ना मतलब कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। नहीं, आप बोलिए। जो इंजीनियर्स हैं और जिनको मतलब शॉर्ट और स्वीट सा ऑप्शनल चाहिए, उनके लिए सोशियोलॉजी बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है, एक बार एक्सप्लोर करके देखिए। आई थिंक मैं तो हूं ही बायस वैसे। हाँ, तो टेक्निकल लाइन से आई हुई है फिर भी उनका इंटरेस्ट है नम्रता का, ये देखिए। और फिर भी अगर आपको थोड़ा सा वहां पे टिप चाहिए कि कैसे सेलेक्ट करना, तो देखिए जैसा बताया गया कि एक बार एनसीईआरटी तो पढ़नी है, ये लगभग सारे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी का सिस्टम है ऑलमोस्ट। तो आप एक वीक पढ़ के देखिए ना, लाइफ का बड़ा डिसीजन है, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन, चार, कुछ भी हो सकते हैं। और ऑप्शनल आपको क्यों चेंज करना अगर आपने सही ऑप्शन अपने हिसाब से चुना है, कम से कम वो मार्क्स इंश्योर रहेंगे, वो पढ़ाई इंश्योर रहेगी। जीएस में देख लीजिएगा इंप्रूवमेंट, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, बहुत जरूरी है, तो एक बार उसको कन्विक्शन बहुत जरूरी है कि आपने जो ऑप्शन लिया है बेस्ट है। हाँ, एक वीक पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, उसके बाद भी डाउट हो तो PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करिए, एक बार कम से कम गो थ्रू करिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं।
ऐसा मेडिकल साइंस में देखूंगा, अब उसका मैं क्वेश्चन पेपर देख के डिसाइड कर लूंगा कि ये ऑप्शन मुझे नहीं लेनी, राइट। लेकिन हो सकता है मैं एंथ्रोपोलॉजी को थोड़ा फैमिलियर फील करूँ क्वेश्चन पेपर देख के। तो बिना पढ़े भी आप पीवाईक्यू को एक बार गो थ्रू करेंगे एक साल का ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या ये मेरे लिए बना हुआ है पेपर। उसके बाद थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ के देखिए, तो टाइम लीजिए और देखिए। जबरदस्ती का इंटरेस्ट जगाना ठीक नहीं है, या आप ये पूछना कि बेंड कैसे करेंगे इंटरेस्ट, दिस इज नॉट राइट। आप एक बार उसको गो थ्रू करके देखिए, हो सकता है वो सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे। कई लोगों को लगता है, मुझे खुद कुछ टर्म से लगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे पलटना चाहिए जाके। आप आई माइट बी रीडिंग कम से कम एनसीईआरटी अपने नॉलेज के लिए। तो एंड और कोई नम्रता, कोई इनपुट आप देना चाहेंगे? और तो मतलब यही बोलूंगी कि कोचिंग वोचिंग के पीछे ज्यादा भागने का जरूरत नहीं है सोशियोलॉजी के लिए, अच्छा सब्जेक्ट है, खुद से भी किया जा सकता है। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लेना जब भी मेंस आएगा उसके पहले, अगर नहीं भी करना है अभी तो यू कैन स्टार्ट ये जो भी ग्रुप राइटिंग या पेयर राइटिंग, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी क्या बोलूं मैं, अच्छा ही सब्जेक्ट है, पढ़ लो भाई। अच्छा, आपने सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोई रेडीमेड सॉल्यूशन देखे थे क्या? एक्चुअली अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखने हैं तो कोई ढंग का सोल्यूशन मिला नहीं मुझे, तो उसमें हम लोग आपस में डिस्कस करते थे। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई सपोज, तो आप जो फोरम या विजन पे टॉपर्स कॉपी या गुड कॉपीज दी हुई रहती हैं, तो उनके क्वेश्चंस यू कैन राइट एंड यू कैन कंपेयर कि कैसा है, क्या लैक कर रहे हो आप और इस तरह की चीजें। अब एक और रहता है ऑप्शनल में पॉइंट में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है, तो सोशियोलॉजी में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर पॉइंट में लिखना होता है, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां हमें पॉइंट नहीं आ रहे होते हैं, तो वहां पे हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं। नहीं आ रहे होते तब ना। हाँ, अगर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत करने के लिए पैराग्राफ में लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसा करते हैं, पर मोस्टली वी शुड राइट इन पॉइंट्स ओनली जहां तक पॉसिबल है। अच्छा, सच्चाई से बताइए, कभी ये लगा कि पेज भरना पड़ेगा पेपर में? हाँ, मतलब लगता ही है, पेपर टू में तो बहुत ही लगता है ये पेज तो भरना है ना। मतलब मेरा तो ये फिलॉसफी, आता है तब भी लिखना, नहीं आता तब भी लिखना, छोड़ना ही क्यों है। दिस एक्चुअली मैटर्स, क्योंकि सीधी सी बात है, एक पेपर खाली है और एक पेपर में कुछ लिखा हुआ है, तो फर्क तो पड़ेगा ना। और पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी तो नहीं लिखेगा, अपने नॉलेज से कुछ लिखेगा तो। अच्छा, इंटरव्यू में ऐसा नहीं कर सकते, इंटरव्यू में वी हैव टू बी स्पेसिफिक कि कुछ कुछ इंटरव्यू में बोल देना नहीं आता भैया। मेंस में वो लिबर्टी है कि यू कैन राइट, थोड़ा इधर उधर का भी लिख सकते हैं। एसए में अगर टॉपिक समझ में आ जाता है तो जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन एसए में बहुत एक मेजर प्रॉब्लम जो मेरे दोस्तों के भी साथ हुआ है, उनको टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, वो थोड़ा गलत समझ ले रहे हैं और वो गलत लिख दे रहे हैं। तो टॉपिक चूज करना अब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया एज कम्पेयर टू राइटिंग द एसे। तो मैंने तो जैसे एसे की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो इसकी वजह से जो भी आपको मार्क्स दिख रहे हैं, मैंने एक्सेसिव मैंने एसेज लिखे हैं, तो प्रैक्टिस से इट कैन बी इम्प्रूव, यही है। आपने पोस्ट भी किया, मैं तो खुद भी ज्वाइन करके मैं देखता रहता हूँ कि काफी सारे आपने ऐसे पोस्ट किए हैं। सर नम्रतक ने आपके लिए ही स्पेशली मेरे रिक्वेस्ट पे, इन्होंने अभी तक एक टेलीग्राम चैनल भी नहीं बनाया था, तो मैंने बोला कम से कम टेलीग्राम चैनल तो बना लीजिए। तो बोलती है कि नहीं उसमें क्या इंटरेक्शन होगा, तो मैंने बोला वो चैनल पे भी कमेंट का ऑप्शन है, वो ऑन कर लीजिए, थोड़ा उसमें है जो आप क्वेश्चन ले सकते हैं। बोलते हैं अच्छा ठीक है तब करती हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने पहले दिन ही काफी जो है अपने एसे वगैरह डाले हैं, मैंने उसको शेयर किया वो अपने चैनल पे, आप उसको ज्वाइन करके वो डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आपको एक टाइम पे हो सकता है जरूरत पड़े वहां से कुछ आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, उन्होंने कुछ कोर्स डाला हो, सोशियोलॉजी की चीजें डाली हो, जो भी है आई विल ट्राई टू शेयर कि कैसे मैं अप्रोच करती थी कोई भी एसे को, थोड़े मैं आई विल प्रिपेयर एंड शेयर समथिंग। हाँ, वो शेयर भी करिएगा, और एक बार एसए और जीएस के लिए हम लोग सेशन भी कर लेंगे अलग से। आपके तो जीएस 3 में भी काफी अच्छे मार्क्स हैं इस बार के हिसाब से देखें तो, एक सेशन वो भी जरूरी है। और वो भी तो है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स कैसे किया, उसको कैसे छोड़ ना? ठीक है, वो भी कर लेंगे, वो गॉड ग्रेस है, ग्रेस है। हाँ, वो थोड़ा बाद में, प्रीलिम्स सबका गॉड ग्रेस ही होता है ना, सबकी यही सिचुएशन है। तो नम्रता, ये सारे क्वेश्चन एड्रेस हो गए आपके हिसाब से सोशियोलॉजी के लिए? कोई डाउट है सर तो देख लीजिए। हाँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट है बचा हुआ है तो चैट पे आए। ये सॉल्यूशन बुक कौन सा अच्छा है, पता नहीं मिला नहीं कोई, आई थिंक डिस्कस करना चाहिए लोगों को। इसके में नहीं, इसके में मैं एक चीज वैल्यू ऐड कर देता हूँ, मतलब वैल्यू नहीं सॉरी इनपुट ऐड कर देता हूँ। ये ना जनरली आप जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पीवाईक्यू का सॉल्यूशन क्या है, तो एक्चुअली वो तब
तब पूछते हैं आप जब आपने खुद आंसर लिखना स्टार्ट नहीं किया और कहीं ना कहीं आप लिखना नहीं चाह रहे, एक रेडीमेड सॉल्यूशन की आप तलाश में। लोग जीएस में भी खोजते, देखिए प्रीलिम्स में अगर आप पूछें पीवाईक्यू का सॉल्यूशन तो चलेगा, लेकिन अगर आप मेंस के जीएस के लिए या एसए के लिए या ऑप्शनल के लिए पूछना तो ये गलत है, क्योंकि सारे लोग वही पढ़ेंगे और वो बहुत जेनेरिक लिखा होता है। ऑप्शनल भी ऐसा लगता है जैसे किसी जीएस वाले ने लिखा हुआ है, बॉटनी में भी हमने फेस किया वगैरह, अच्छी बात है, पिछले क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आएंगे भी, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आपको पीवाईक्यू की जरूरत है गो थ्रू करने की, तो आप आंसर लिखना शुरू करिए, अपने पीयर ग्रुप में शेयर करिए और डिवाइड कर लीजिए कि भाई इतने साल का हम लिखेंगे या इस टॉपिक के क्वेश्चन का हम लिखेंगे, कंपाइलेशन बनाते हैं इसका तुम बनाओ, वो इनपुट करके बनाइए। मार्केट में कोई भी अच्छा इन चीजों का सोर्स नहीं होता, क्वेश्चन मिल जाएंगे, आंसर का कोई अच्छा सोर्स नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा। पॉइंट ही वही है ना, डिफरेंट आंसर लिखना तो कोई मतलब नहीं है। वो जब आप खुद लिखना शुरू करेंगे तो आप वो चीज ढूंढेंगे ही नहीं, आपको मन करेगा कि नहीं हम खुद ही लिखते हैं, तो शुरू करिए। जो बोलना चाहूंगी, ज्यादातर हाँ। लोग बोलते हैं कि मैंने सब पढ़ लिया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब मुझे लग रहा है ये वो लोग हैं जो आंसर्स लिख नहीं रहे हैं, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अगर आप रोज रोज लिखोगे और रोज उस पर सोचोगे कि मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, अब एक दो दिन में नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, महीना दो महीना लिखिए तब आपको लगेगा कि यस यू आर समवेयर इन द गेम, थोड़ा थोड़ा भी आए हैं। एक दो दिन में अगर सोच रहे कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, किसी को भी नहीं आता है, मतलब डोंट गो फॉर क्विक सॉल्यूशंस कि कोई कुछ ऐसा बता दे मेरा सब हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है कभी भी, थोड़ा मेहनत करिए तो फिर होगा धीरे धीरे। जब तक आप मतलब पानी में पैर नहीं डालेंगे तो आपको डेप्थ पता कहाँ चलेगी, बाहर से तो आप सोचते रहोगे कि नहीं इसमें डूबी जाएंगे, एक बार थोड़ा उसको मेजर तो करिए कितना एफर्ट लगेगा, मे बी आपको सब्जेक्ट के लिए एप्टीट्यूड आपके लिए जल्दी हो जाए, किसी को हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, ज्यादा टाइम लगे से क्वेश्चन यहीं पे बना हुआ नम्रता आया हुआ है चैट में कि एक स्टैंडर्ड अगर आप बोलें किसी को शुरू से शुरुआत करनी सोशियोलॉजी, तो कितने महीने आपके हिसाब से लगता है कि एक डिसेंट प्रिपरेशन के लिए चाहिए? 3 महीने? 3 months में हो जाएगा पूरा। हाँ हाँ, मतलब रीडिंग तो पूरा हो जाएगा, कि आपने पहला टर्म जो था बीच में ही किया था, फिर भी इस बार से अच्छे मार्क्स। हाँ, पिछले बार तो टाइम भी कम था ना, मैंने 2.5 महीने किया था। पिछले बार 2019 का बात है, और उस टाइम लगा था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने उतना नहीं किया था, लेकिन बाद में फिर बहुत कम टाइम बचा था, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग उस वक्त नहीं की थी, पर कॉन्सेप्ट मुझे, मैंने आपको बताया भी, थोड़े कॉन्सेप्ट इस वजह से क्लियर भी नहीं थे पेपर वन के, लेकिन हो गया था एक बार। 255 मार्क्स थे, गुड एनफ मार्क्स है, इतना बुरा भी नहीं है। तो जो लोगों का तैयारी नहीं है अभी और सितंबर में मेंस देना है, घबराने का जरूरत नहीं, एनसीईआरटी और जो अपना नितिन सांगवाना है उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा लिख के आ जाओगे। कुछ टॉपर्स का तो मैंने देखा है कि उन्होंने कोई और बुक पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ नितिन सांगवानी पढ़ी है 5-6 बार और उनके बहुत हाई मार्क्स आए हैं। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, उतना शायद करेक्ट नहीं होगा ये बोलने के लिए कि एक बुक पढ़ लो, लेकिन जिनके पास टाइम कम है वो ये फॉलो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए उसका तो आंसर आपको लगभग मिल चुका है, करंट अफेयर न्यूज़पेपर से कैसे डालना है सोशियोलॉजी में। एक बार सिलेबस देखो पेपर टू का, स्पेसिफिकली सिलेबस देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अभी उसमें जो भी न्यूज़पेपर में उससे रिलेटेड चीजें आती है, विमेन इश्यू पे कुछ भी आता है वो सोशियोलॉजी का भी सिलेबस है, इस तरह से आपको सोचना चाहिए। ट्राइबल के ऊपर कुछ भी आ रहा है वो सोशियोलॉजी का भी सिलेबस है, बनाओ उसको जीएस की कॉपी में, लेकिन वहां पे मार्क कर दो कि दिस कैन बी यूजफुल इन सोशियोलॉजी आल्सो। तो जब आप सोशियोलॉजी के पहले रिवाइज करके जाओगे तो फिर आप उसको यूज भी कर पाओगे। कास्ट से रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड है, सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर है, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन है, रिलीजियस पोलराइजेशन, ये सारे टॉपिक्स जीएस वन में जो भी टॉपिक्स हैं सोशल इश्यूज के अंदर, वो सब पेपर टू का हिस्सा है। तो उस तरह से, क्योंकि हम लोग उस टाइम सोचते ही नहीं है कि हम सोशियोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए करते नहीं है, तो सोच के रखिए तभी हो पाएगा। अच्छा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे डेली? हाँ, मैंने सर 3 साल में पर बहुत ही रेयर डेज होंगे जब मैंने न्यूज़पेपर स्किप किया है, ये एक बहुत, मैंने बहुत ज्यादा, मुझे ये था कि ये मिस नहीं होना चाहिए। पता नहीं लोग बोलते हैं कि और भी चीजों से हो जाता है, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था किसी और चीज से। हाँ, तो ये भी तो है ना कि सोशियोलॉजी और पीएसआईआर के लिए खास करके मुझे लगता है कि थोड़े पता होना चाहिए सोसाइटी में क्या चल रहा है, अपडेट थोड़ा होना चाहिए। आपने जैसे न्यूज़पेपर के, आपने रोज न्यूज़पेपर पढ़ने से ये होता है ना कि बहुत सारी चीजें सब कॉन्शियसली डेवलप होती हैं जो हम रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं,
पर जब हम आंसर्स लिखते हैं ना तो उसमें वो थॉट प्रोसेस आता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए, कुछ भी ना पढ़ो लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ लो एक बार। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती थी आपने बता? मैंने तो द हिंदू ही पढ़ा है, पर धीरे धीरे रियलाइज हो गया था कि द हिंदू में भी क्या नहीं पढ़ना है, तो ठीक है क्या नहीं पढ़ना आप समझ रहे हैं, है ना। तो ये हर पेपर में आपको आइडियोलॉजिकल जो भी हो, राइट विंग लेफ्ट विंग जो भी हो, आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी कंटेंट तो द हिंदू का अभी भी अच्छा है, मैं भी अग्री करता हूं। विमेन इश्यूज के ऊपर जो भी लिखेंगे वो तो क्या ही है, वो तो आप यूज कर ही सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ा था या एडिटोरियल पढ़ती थी तो जैसे आपने बताया कि मार्क कर लो, सोशियोलॉजी में यूज कर सकते हैं, तो आपने इसके कुछ पॉइंट वाइज नोट्स वगैरह बनाते थे एग्जांपल्स के? अच्छा। मेरा अलग से मेंस का ही मैं नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर से, मोस्टली प्रीलिम्स के लिए उतना ज्यादा यूजफुल मुझे फील नहीं हुआ था, तो मैं टॉपिक लिख लेती थी ऊपर और उससे रिलेटेड, जैसे मैं तो ऑफलाइन नोट्स बनाती हूँ, इससे थोड़ा ये इनएफिशिएंट भी था, मुझे बार बार ढूंढना पड़ता था कि कौन सा टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है, पर जो ऑनलाइन बनाते हैं उनके लिए बहुत सिंपल है, टॉपिक लिख लीजिए, अब उससे रिलेटेड जो भी आएगा उसको वहीं पे लिखो, और बाद में एंड में जब सब कुछ हो जाए तो थोड़ा एक स्ट्रक्चर करने का भी कोशिश करो कि सोचो कि कंक्लूजन में ये लाइन लिख सकते हैं या ये केस स्टडी यूज कर सकते हैं, ये डेटा यूज कर सकते हैं, एक जगह रहेगा तो आप सोच भी पाओगे। तो मैं टॉपिक वाइज ही नोट्स बनाती थी, जैसे कि कोई भी इश्यू है, सपोज लेबर कोड्स है, तो लेबर कोड ऊपर में लिख के जो भी उससे रिलेटेड न्यूज आती थी और जो भी इंपॉर्टेंट लगता था मुझे, मैं उसके नीचे ही उससे रिलेटेड ऐड करती जाती थी, और मेरा ऑफलाइन था तो थोड़ा डिफिकल्ट था, पर जो लोग ऑनलाइन बनाते हैं उनके लिए ज्यादा आसान है ये करना। और ऐसा करने से मुझे जीएस में भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो मैंने केस स्टडीज लिखी वो किसी भी पीटी में 365 से नहीं थी, वो मैंने खुद से ही नोट्स में बना रखे थे, जो भी मैंने केस स्टडीज या डेटा या एग्जांपल्स दिए वो मेरे खुद के नोट्स से थे, तो इस वजह से ही शायद जीएस में अच्छा स्कोर आया है और सोशियोलॉजी में नहीं आया है, बट एनीवेज ऐसा नहीं है, आपका अच्छा स्कोर है, फिर इतनी अच्छी रैंक है। नम्रता, ये एक क्वेश्चन है रोहन का, उसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि जेनेरिक आंसर से टेक्निकल आंसर की मैच्योरिटी कैसे डेवलप करें? यही मैंने जो दो एग्जांपल्स बताया थे अभी, वुमेन एम्पावरमेंट वाला और कास्ट सेंसस वाला, तो सोशियोलॉजी में तो थ्योरी ही एक चीज है जिससे हम लोग अपने जेनेरिक आंसर को स्पेसिफिक बना सकते हैं। थिंकर्स वो क्या सोचते हैं, हम रादर देन सेइंग कि हम क्या सोचते हैं, ये लिखें कि थिंकर्स ने ये बोला है, तो उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ता है हमारे आंसर्स का। लेकिन अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा तो इलस्ट्रेशंस वी कैन ऐड, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, इस तरह की चीजें जो जनरली होता है जीएस में, पर ऑप्शनल में तो मेन चीज तो थ्योरी ही है कि किसी थिंकर ने क्या बोला है या कि कोई रिसर्च हुआ है कहीं पे, किसी रिसर्च में ये पाया गया है, कोई स्टडी हुई है, कोई पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट थ्योरी है, कोई भी इस तरह का कुछ भी हुआ है। तो स्लीपी क्लासेस एक्चुअली में अच्छा है इसके लिए, उन्होंने काफी कुछ एक जगह कोलेट करके उन्होंने बहुत कुछ दे रखा है कि इस थिंकर ने ये बोला या ये स्टडी हुई, तो वहां से यू कैन यूज दोस थिंग्स एंड यूज इन योर आंसर्स। तो एक बार आप वो वीडियोस देख सकते हैं, काफी अच्छी बनाई उन्होंने, वो YouTube पे उन्होंने डाला हुआ है ना? हाँ, YouTube में फ्रीली अवेलेबल है। हाँ, स्लीपी क्लासेस का, सोशियोलॉजी का मैंने भी अप्रिशिएट किया, काफी अच्छा फीडबैक है मेरे पास भी। तो वैल्यू एडिशन के लिए अच्छा है वो। तो YouTube पे है तो आप लोग रेफर कर लीजिए, तो उससे थोड़ा सा आपका जो है स्पेसिफिक हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा सोशियोलॉजी की तरफ। और आई थिंक वी आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस। का एक क्वेश्चन कुछ कह रहे हैं कि पेपर वन का थर्ड चैप्टर कैसे, क्या है थर्ड चैप्टर में? थर्ड चैप्टर मेथोडोलॉजी के ऊपर है कि कौन कौन से मेथड यूज होते हैं सोशियोलॉजी में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, उसमें से एक या दो क्वेश्चन आता है पेपर वन के अंदर, बहुत सिंपल सा ही चैप्टर है, आई डोंट थिंक ज्यादा कोई टफ है, आप नितिन सांगवान से पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा, सर्वे कैसे किया जाता है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है, उसमें क्या प्रोज है, कौन से क्वालिटेटिव मेथड्स का, यही सब ही है, सिंपल ही है चैप्टर, यही है ना? हाँ, यही एक बार उसको पढ़िए फिर। हाँ, सिंपल से ये मेथड्स जो भी यूज होते हैं रिसर्च के अंदर वही उसमें दिए हुए हैं। और मुझे लगता है वो याद करना पड़ेगा शायद थोड़ा, है ना? करी ना, जैसे इस बार आया था कि सेंसस कंडक्ट करवाने में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकता है, इसमें तो क्या टेक्निकल है। हाँ, इसमें कुछ वैसा है भी नहीं, मतलब नहीं भी पढ़ रखा तब भी लिख सकते हो कि लार्ज पॉपुलेशन हो जाता है, अलग अलग क्वेश्चनर बन गया, अगर अलग अलग क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो सब्जेक्टिविटी आ सकता है, इस तरह की चीजें खुद से भी सोच के लिखी जा सकती है, बट ये सब नितिन सांगवान में दी हुई भी है ऑलरेडी, तो पढ़ के देखिए हो जाएगा। एक दो कॉन्सेप्ट है उसमें, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी बुक में बहुत अच्छा से डायग्राम के साथ समझाया हुआ है,
तो समझने का अगर ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स वैथ्स नहीं है, बस थ्योरेटिकल जानना है कि किस तरह से मेथड्स यूज किए जाते हैं रिसर्च के अंदर। अब ये सेंसर्स की प्रॉब्लम है, मतलब इससे तो आपको करंट अफेयर से भी काफी इनपुट मिल जाएगा और बुक में एक क्वेश्चन आया था कि हाउ द क्वांटिटेटिव, एक क्वेश्चन आया था कि हाउ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, इसी बार मेंस का क्वेश्चन था। तो कोई सा भी एक टॉपिक उठा लो, पॉवर्टी का एस्टिमेशन उठा लो, फिर उसमें दिखा दो कि क्वांटिटेटिव किस तरह से हेल्प करता है पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन में, और क्वालिटेटिव किस तरह से करेगा कि सोशल इनइक्वालिटी कितनी है, या बेसिक सिर्फ मतलब सिर्फ पॉवर्टी लाइन हो जाने से तो सब कुछ कवर होता नहीं है, तो लाइफस्टाइल में और क्या क्या चेंजेस है, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो थोड़ा क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है, तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, इस तरह से लिख सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल देके, कोई भी जो आपने पढ़ रखा है एग्जाम्पल उसी को यूज करिए और हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, नाउ आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ। आपको कुछ समझ में भी आया होगा क्योंकि मैं मुझे खुद काफी कुछ सीखने को मिला, पता है फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ ऐसा कुछ, अगर किसी को कुछ डाउट है तो मैं बाद में भी आई कैन एड्रेस। हाँ हाँ, वो आपके कमेंट्स हैं ही ओपन, आप कभी भी वहाँ पे और भी कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, और काफी पीडीएफ तो ऑलरेडी नम्रता ने शेयर की हुई है, तो सारे से कुछ लोग आंसर्स मांग रहे हैं सोशियोलॉजी का, मैं शेयर कर दूंगी धीरे धीरे, मैं शेयर करूंगी। हाँ, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लिखी हो तो थोड़ा टाइम लेके करेंगे शेयर, क्योंकि सारे प्रोसेस में स्कैनिंग इन्वॉल्व है, कलेक्ट भी करना होगा कहाँ पे कौन सा पड़ा हुआ है, तो टाइम के साथ कर देंगे नम्रता, आप चिंता मत करिए। जी, हिंदी मीडियम का मुझे आइडिया नहीं है, सर बता देंगे आई थिंक। हाँ, मैं वो हिंदी मीडियम का पता कर दूंगा, आप रागिनी चिंता मत करिए, हिंदी मीडियम में हमारे एक हैं, मतलब उन्होंने इवैल्यूएशन भी किया उत्तर प्रदेश में भी ऑफिसर हैं, तो वो थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, रवि सर नाम है, हो जाएगा। और पता है नम्रता, एक चीज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, कुछ ऐसे सेशन होते हैं ना जहाँ मुझे खुद इंटरेस्ट जगता है कि मतलब बताया क्या जा रहा है, मैं बहुत ध्यान से सुन, और ये सोशियोलॉजी का साथ सब्जेक्ट भी मुझे पसंद आया और मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला, सो थैंक यू सो मच, फिर आप एक सेशन करिएगा। हाँ जी सर, थैंक यू सर, और जीएस के लिए और थोड़ा सारे मतलब ओवरऑल के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू नम्रता, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।